नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS Maths Classes पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त के बारे में, यानी कि सर्कल। सर्कल के क्या पार्ट्स होते हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो वृत्त की जब बात आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी रेडियस की। रेडियस क्या होता है, जैसे हम त्रिज्या कहते हैं, तो त्रिज्या जो होती है वो सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट अगर है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। अगर ये ओ सर्कल का सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस है इसका, जिसे हम परिधि बोलते हैं, तो परिधि पर अगर ए पॉइंट है तो ओ से ए का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस कहते हैं, जो त्रिज्या कहलाती है। अगर आप बात करते हैं डायमीटर, डायमीटर क्या होता है कि अगर कोई भी कोण जो कि आपका सेंटर से पास हो रही है, ये लाइन है, सेगमेंट है पी ओ क्यू जो कि ओ सेंटर से जा रही है, तो पी क्यू जो है यहाँ पर एक डायमीटर होता है जिसे हम व्यास कहते हैं। तो ये हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है, वो चाहे ऐसे जाएगा आपका, चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से जाए, कहीं से भी जाएगा लेकिन वो सेंटर से जरूर पास होगा। इसके बाद बात करते हैं हम कोण। कोण जो होता है वो क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को जॉइन करता है। तो मान लीजिए एम और एन यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं सर्कमफ्रेंस पर, और इनको जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट एम एन, जिसको हम क्या कहते हैं, कोण बोलते हैं। तो जो कोण है ये आपका दो पॉइंट्स को किसी भी सर्कल में जॉइन करता है एक दूसरे के साथ। इसके बाद बात करते हैं हम आर्क की। तो आर्क जो होता है वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस पर कोई दो पॉइंट्स हमने लिए ए और बी, तो इनके जो बीच का ये डिस्टेंस है ये आर्क कहलाता है। तो आर्क जो होता है वो सर्कम की सर्कमफेरेंस पर होता है, सर्कल जो होता है उसकी सर्कमफेरेंस पर होता है आर्क, जिसे हम चाप बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालें। अगर किसी सर्कल की आपको रेडियस गिवन है और उस आर्क से सेंटर पर कितना एंगल बनता है ये आपको दिया गया है, तो उसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2πr। 2πr क्या है, यहाँ पर 2πr इस सर्कल की सर्कमफेरेंस है। अगर मान लीजिए रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि जो आर्क है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पर, तो उस केस में एल कितना निकलेगा, यहाँ पर आपके जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, थीटा 90 हो जाएगा, तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 90 से 4 बार। अब देखिए 2 से आप इसको 2 बार कट कर सकते हैं और इस 2 से ये 11 बार कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा 11। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो जो आर्क की लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बारे में। अगर कोई भी रेडियस है आपकी ओ ए और ओ बी, तो दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, रीजन होता है, क्षेत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब माइनर सेक्टर, अगर ये एंगल आपका कम है तो इसे माइनर सेक्टर बोलेंगे, और इधर वाला जो एरिया बचा हुआ है उसे हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर जो होता है किन्हीं भी दो रेडियस के बीच का जो एरिया है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर ए ओ बी ये वाला जो है ये आपका माइनर सेक्टर है और ये वाला आपका मेजर सेक्टर है। अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे कि क्या ये जो सेक्टर है इसका एरिया कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल है, तो इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो 60/360 हो जाएगा और मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। अब आपको जो भी रेडियस दी गई है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस है आप उसका यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 आपको मान लीजिए 7 आपको दिया गया रेडियस, तो 7 × 7 हो जाएगा। तो अब देखिए 7 से आपका 7 कट जाएगा यहाँ पर, अब इससे देखिए 60 से 6 बार कट जाएगा, अब 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से 11 बार, तो इनकी गुणा कर दीजिए, तो 11 × 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा और बटा में 3 रह जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में ये एरिया आ जाएगा इस सेक्टर का, जबकि यहाँ पर एंगल हमने 60 डिग्री लिया, ये वाला एंगल कितना लिया हमने यहाँ पर 60 डिग्री, और जो रेडियस रखा है उसका वो 7 सेंटीमीटर रखा है, तो उसके हिसाब से अगर इस सेक्टर की बात करें
तो जो एरिया है 77/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेजर सेक्टर है उसका एरिया क्या होगा, तो इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जो आपका सर्कल है उसका एरिया निकाल लीजिए और उसमें से माइनस सेक्टर को आप माइनस कर दीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि ये वाला एंगल देख लीजिए कितना आएगा, इधर 60 है तो बाकी 360 होता है टोटल, तो ये 300 हो जाएगा। तो आप एंगल की वैल्यू यहाँ पर 300 रख दीजिए, तो उससे जब कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका मेजर सेक्टर जो है उसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की। तो जब आप सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट होता क्या है ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए एक सेक्टर है OCD और इसमें से ये आपका एक कोण है, तो कोण और जो सर्कमफ्रेंस है उसके बीच में जो एरिया होता है उसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। अब बाकी का जो एरिया है वो किस में आ जाएगा, आपका मेजर सेगमेंट में आ जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और जो सेक्टर का एरिया है उसमें से ये जो ट्राइंगल है आपका COD, इस ट्राइंगल का एरिया आपको माइनस करना है, तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इस टर्म में देखें तो O सेंटर है इस सर्कल का और इसमें जो RST है इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, और अगर कोई लाइन सर्कल के अंदर से जाती है और सर्कल को दो पॉइंट्स पर अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंड। तो ये डिफरेंस होता है सेकेंड और टेंजेंट में। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको सर्कल के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।